माँ अहिल्या की नगरी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पंचकुइया स्थित वीर बगीची में श्रावण के पांचवे सोमवार को अलीजा सरकार का डॉक्टर के रूप में श्रृंगार किया गया। इस दौरान वीर बगीची हनुमान को 1.25 लाख दवाइयों से सजाया गया। इस अनोखे श्रृंगार को देखने के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। संभवतः यह देश का पहला मंदिर है जहां 1.25 लाख दवाइयों से श्रृंगार किया गया है। वहीं श्रृंगार के पश्चात इन दवाइयों को MYH में जरूरतमंद मरीजों को वितरित किया जाएगा। वीर बगीची गादीपति बाल ब्रह्मचारी पवनानंद महाराज ने बताया कि देश में वीर बगीची पहला मंदिर है जहां पहली बार दवाइयों से श्रृंगार किया गया। गुरुदेव ब्रह्मचारी जी पवनानंद जी महाराज जी द्वारा आज वीर बगीची को दवाइयों से सजाया गया है। ये जो दवाइयां हैं इंदौर शहर के हॉस्पिटल MYH में जो भी डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयां हैं, जो मरीजों को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जो एनर्जिक दवाइयां हैं, जो गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ दवाइयां हैं, टॉनिक की गोलियां हैं, उन सबको इन दवाइयों से सजाया गया है। और गुरु महाराज के द्वारा इन सब दवाइयों को उन हॉस्पिटल में डॉक्टरों को दिए जाएगी और वो वहाँ पर जो भी निःशुल्क दवाइयाँ वितरण करेंगे। और यहाँ पर इस वीर बगीचा अलीजा हनुमान मंदिर में नित्य प्रतिदिन नए नए श्रृंगार किए जाते हैं गुरुद्वारा, और कई बार कभी फलों से सजाया जाता है वो भी बच्चों में वितरण किए जाते हैं, कभी किताबों से सजाया जाता है जो गरीब विद्यार्थियों को वितरण की जाती है, कभी कॉपियों से सजाया जाता है जो निःशुल्क बच्चों को दी जाती है। बड़ा अद्भुत महत्व है इस दरबार का। आपका नाम बताओ? ललित त्रिवेदी। दवाइयों की 6 कलर थीम रखी गई थी। इसके माध्यम से मंदिर के बाहरी हिस्से को सजाया गया। अल सुबह 3 बजे से श्रृंगार शुरू हुआ और इसमें 4 से 5 घंटे का समय लगा। इसके अलावा बालवीर अलीजा सरकार के श्रृंगार के साथ ही मंदिर परिसर में अंगदान की झांकी भी सजाई गई। अभी तक यहां फूल फल व मंदिर की प्रतिकृति का श्रृंगार हो चुका है जिसे हजारों भक्त निहार चुके हैं। पहली बार डॉक्टर एवं दवाइयों की थीम पर वीर बगीची हनुमान का श्रृंगार किया गया है। भक्तों के लिए मंदिर परिसर में दर्शनों की विशेष व्यवस्था भी मंदिर समिति द्वारा की गई है। बता दें कि मंगलवार को भगवान के दर्शनों के लिए भारी भीड़ उमड़ती है।